श्री कालिका धाम ज्योतिष विद्यालय में दिव्य ज्ञान दुख निवारण चंडी महायज्ञ किया गया, जिसमें मां महाकाली का दिव्य झूला लगाया गया। इस दौरान दूर दूर से भक्त आकर मां का पूजन एवं हवन यज्ञ में भाग लेकर कष्टों से मुक्ति पा रहे हैं। इस मौके पर धाम के संस्थापक ज्योतिषाचार्य इंद्रदेव बबलू पंडित ने बताया कि हर शनिवार को सायं 6 बजे यज्ञ शुरू होता है। संगत का मार्गदर्शन करते हुए उन्होंने बताया कि इस संसार में दिखने वाली हर चीज का अंत अवश्य होता है, और जब प्राप्त चीजें हमसे छूटेंगी तो वे हमारे दुख का कारण बन जाएंगी। इसलिए हमें अपने मन को श्री प्रभु के चरणों में लगाना होगा। आगे उन्होंने बताया कि 9 जनवरी 2024 को मूर्ति स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विशाल महायज्ञ करवाया जाएगा, जिसके उपरांत शाम को माता की चौकी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध भजन मंडलियां महामाई की महिमा का गुणगान करेंगी, जिसके बाद भव्य लंगर का आयोजन अतुट चलेगा। इस अवसर पर धाम के मुख्य सेवादार संजीव शर्मा कुकन, रोहित रणदेव, रणबीर राणा, देसराज शर्मा, हरप्रीत सिंह, साहिल गग्गू, विशाल गिल, अतुल कनौजिया, राकेश लक्की, अजय सिंह, हरिओम शास्त्री, ज्योतिषाचार्य गौरव, देसराज शर्मा, गग्गू, साहिल, पंडित संजय, पंडित पंकज, पंडित सुशील सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। कहने की बातें हैं ना, मुझ में सामर्थ्य है। मुझे लगता है किसी इंसान में सामर्थ्य नहीं है कि वो इतना लंबा सिस्टम, इतना लंबा सदन तक चलाता रहे। वो चलाती है तो चलाता है सब कुछ। महारानी माँ काली ये प्रत्यक्ष अनुभव है, खुद आके करती है, खुद ही सारा मैनेज करती है, कहाँ से क्या होता है नहीं पता। 3 वर्ष पूरे होंगे और इन 3 वर्षों में हजारों लोग, हजारों की तादाद में पंजाब से बाहर से आकर के भी लोग महारानी का आशीर्वाद करते रहे, उपाय करते रहे। कुछ लोगों की श्रद्धा है जो कार्य सफल होने के बाद भी भगवती से जुड़ गई, यज्ञ उनको अच्छा लगता है यज्ञ करना जीवन में, क्योंकि संसार में भटकने के लिए बहुत जगह है ना। यहाँ भटकने वाला कोई काम नहीं, भटकना तब हम कहते हैं जब आपको हम कोई गुमराह करें, कोई मिस गाइड करें, या कुछ बताएं, या कुछ आपसे लें, तो क्योंकि स्वार्थ नहीं है यहाँ पे ना, हमारा आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए आप गलत रास्ते पर नहीं जा सकते। गलत रास्ते में इंसान वहीं पर जाता है जहाँ जिसके पास जाए उसको आपसे जब स्वार्थ शुरू हो जाता है तो फिर आप गए काम से। तो 3 वर्ष पूरे होंगे, उस दिन अर्धरात्रि को महा उपाय माँ चंडी भी करवाए जाएंगे यहाँ पे। तो मुझे लगता है जिनको सदियों की कोई अगर समस्या परेशानी रही है तो मुझे लगता है महारानी का उस दिन विशेष आशीर्वाद होगा। तो आप उस दिन साथ में कुछ नहीं लगना है, उसके लिए कोई सामान नहीं लाना है, कुछ नहीं लाना है, केवल 2-4-5 पीस जायफल के साथ में अलग से रखिएगा अपने जेब में, क्योंकि होना रात को पहले चंडी को होएगा शाम को 4 बजे, है ना, 4 बजे बोल रहा हूँ तो 4:30-5 बजे शुरू होगा, तो 6 बजे पंडाल आगे लगेगा यहाँ पे सड़क में आगे जाकर, वहाँ पर महारानी के भजन कीर्तन, आप लोगों के लिए भंडारे के इंतजाम से भगवती का, माँ चंडी का, और जो वहाँ से काम संपन्न होगा रात्रि में यहीं पे आपको दोबारा से दिव्य उपाय होगा। 9 जनवरी दिन मंगलवार है, 3 वर्ष पूरे होंगे माता रानी की सेवा करते, तो उस दिन भी आप सब बड़े शुद्धता से, बड़े शुद्धता से, बड़े मन से पहुँचिएगा, मेरा विश्वास है खूब कृपा होगी, खूब आशीर्वाद। जैसे मैं अभी बता रहा था कि 9 जनवरी को, तो उस दिन एक तो जो भगवती का गुणगान करेंगे माता रानी का, मुकेश इनायत जी करके हैं सिंगर, अच्छा गाते हैं, महारानी ने उनको बुलाया है, और इस यज्ञ में ये इस महारानी की चंडी चौकी में बहुत सारे सज्जन भी आशीर्वाद लेने आएंगे, और जहां आप हर शनिवार इस यज्ञ की खबर देखते हैं दैनिक सवेरा है, तो वहां के जो प्रमुख हैं आदरणीय बाबू शीतल वीर जी, वो मुख्य अतिथि होंगे, विशेष तौर पर वो पधारेंगे महारानी का आशीर्वाद लेने के लिए। तो उस दिन सब समय से पहुंचेंगे और समय तक रहेंगे। जयकारा है माँ भद्रकाली जी का, बोल साचे दरबार की जय। मैं संजीव शर्मा सेवादार कालिका धाम ज्योतिष पृथ्वी नगर से आज माता रानी का हर शनिवार की तरह इस बार भी निशुल्क दुख निवारण दिव्या जो हवन यज्ञ होता है उसका आज हमारे बेटा जी बिन्नी जी और आंचल जी ने यहाँ पर हवन करके माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया,
और बहुत दूर दूर से संतों ने आकर माता रानी का आशीर्वाद लिया। मैं शहर वासियों को, पंजाब वासियों को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हमारे यहाँ पर 3 साल पूरे होने पर 9 जनवरी दिन मंगलवार को माता रानी की चौकी का आयोजन किया जाएगा। और मैं सभी भक्तों को कहता हूँ कि टाइम पर पहुँचकर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें और रात के 12 बजे यहाँ पर हमारे पंडित जी एक बहुत बड़ा उपाय करने जा रहे हैं जो सबके सुख शांति के लिए होगा, परिवार में और अपने धन दौलत के लिए, अपने कष्टों के लिए, अपने दुखों के लिए। इसलिए मैं सभी शहरवासियों को हाथ जोड़कर फिर एक बार से विनती करता हूँ कि यहाँ पर टाइम से पहुँचे 9 जनवरी को और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें।